गिरफ्तार है कि हर एंगल से जांच की जाएगी। दरअसल जब से टीम वहां पर पहुंची, लगातार जो जांच का दायरा है वो बढ़ रहा है। कल टीम ने जाकर के जहां पे हादसा हुआ था वहां पे पूरे हालात का जायजा लिया, जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे पूरे हमले का, पूरे हादसे का इनपुट लिया। इसके बाद आज जनता दरबार लगाकर जो तमाम लोग थे वहां पे, जो तमाशा देख भी रहे थे, जो हादसे में शिकार भी हुए और जिन जिन लोगों की भूमिका भी रही, उनसे पूछताछ की जा रही कि आखिर हादसे वाले दिन हुआ क्या था, कितने बजे हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कुछ देखा था और हादसा जब हुआ तो उस वक्त बाबा का काफिला कहां था। तमाम ये सवाल है जिनके जवाब तलाशने का प्रयास यहां पे किया जा रहा है जांच टीम की ओर से। रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस में हुए मौत के सत्संग के बाद अब न्यायिक आयोग एक्शन में है। आयोग लगातार उन पहलुओं की जांच में जुटा है जो इस हादसे से जुड़े हैं। अधिकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, अलग अलग लोगों की गवाही ली जा रही है। इसी कड़ी में आज आयोग ने आम जनता तक पहुंचने के लिए जनता दरबार लगाया, जिसमें पहुंचकर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। जो भी यहाँ शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मिलने का हमने एक डेलीगेशन के रूप में टाइम लिया था, जो उन्होंने हमें टाइम दिया और यहाँ आने के बाद उनसे हमारी मुलाकात भी हुई। तो बस यही है, जो हाथस में क्राइसिस हुआ है वो बहुत वेदनीय है, चिंताजनक है। अभी अंदर फोन नहीं ले जाने दिए गए, लेकिन हम लोगों ने उन्हें कहा है कि हमारे पास कुछ वीडियो भी हैं जो मौके पर हम लोग पहुंचे थे, हमने बनाया था, वो अभी नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे और वीडियो हमें उसको हम उन्हें देंगे, क्योंकि पीड़ा तो पूरे देश को है, लेकिन हमारा निजी जनपद होने के कारण हमें पीड़ा अधिक अत्यधिक है। ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो धर्म के प्रति अपनी कितनी आस्था रखता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसको रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से लोगों में ये अंधभक्ति बाबा के द्वारा झूठे प्रचार प्रसार के द्वारा एक विशेष वर्ग को एकत्रित करने के लिए जो फैलाई जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। जनता दरबार में पहुंचे चश्मदीदों ने जो कुछ बताया वो तो और हैरान करने वाला था। ये वही लोग हैं जो हादसे के वक्त वहां मौजूद थे और इनकी आंखों के सामने ही आलिशान सत्संग स्थल शमशान में बदल गया। चश्मदीदों की बातें सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि हादसे के वक्त कैसा मंजर रहा होगा, सोचने लगेंगे कि लोगों पर क्या बीती होगी और महसूस करेंगे कि सत्संग स्थल पर क्या हुआ होगा। उसे उठाने की एक होड़ लगी हुई थी तो कुछ महिलाएं उसे पहले वाला खेल रहा कि पहले मैं तो वो उठाने के लिए झुकी तो पीछे से उस तरीके का प्रेशर आया और वो दबी की दबी महिला रह गई, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे करूं नहीं। जो अंदर वाली जो मेन घटना थी जिस रज पोजीशन पे हुआ था वहां तक तो पहुंची नहीं पाए हम लोग, क्योंकि पहुंचने के लिए वहां जनता थी इतनी तो हम अंदर नहीं जा पाए, मगर जहां से वो लोग लेके आ रहे थे जिन्हें हमें सपोर्ट करना था कि जिस गाड़ी में रखवाना, हमने वहाँ अपना सपोर्ट किया। हमने देखा, देखते हैं क्या हुआ है, जब तक हमें पता नहीं थी कोई घटना घट गई है। हमने देखा, हम जैसे आगे थोड़े चले तो लोग, जैसे महिलाएं पुरुष हैं, अपनी अपनी, जैसे कि कोई घायल है उनको लेके जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, कोई बॉडीज है उनको लेके जा रहे हैं। दो तीन महिला हमारे पास आई, जैसे भैया हमारे पति हैं, कैसे यूज करवाओ, उनके साथ कोई नहीं होगा, पति और वो दोनों होंगे, तो हमने गए दोनों भाई, हमने वो बॉडी उठवाई, बॉडियों को उठवा करके हमने तुरंत उनका सहयोग किया। हाँ, 15-20 बॉडियां हमने उठवाई और 10-15 हमने घायल लोग थे उनको उठवा के प्राइवेट में उनको रखवाया गया। इन चश्मदीदों और आम जनता की बात को सुनने के बाद हादसे के वक्त सत्संग स्थल पर मौजूद अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए। इससे पहले शनिवार को भी न्यायिक आयोग की टीम ने सिकंदरा राव में घटना स्थल पहुंचकर जांच की थी, हादसे में घायल लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, न्यायिक आयोग की टीम ने जिला प्रशासन से हादसे से जुड़े सभी सबूत भी मांगे हैं। डीएम और एसपी के बयान भी दर्ज किए गए हैं। हर उस पॉइंट पर जोर दिया जा रहा है जो इस हादसे की जड़ तक ले जाने में काम आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार हमारे सहयोगी जतिन जो है वो नजर बनाए हुए हैं। जतिन, लगातार एक के बाद एक चीजें जो है वो साफ होती हुई नजर आती हैं, लेकिन नए नए एंगल बार बार देने की कोशिश यहां पर होती है, लेकिन न्यायिक जो जांच टीम वहां पर पहुंची उनके पास किस तरीके की चीजें जो है वो मिली हैं, क्या कुछ जो है उन्होंने बरामद किया? आज बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको अपडेट दे दूं कि न्यायिक आयोग की टीम 2 दिन यहां पर थी, आज शाम को वो वापस चली गई है। जाने से पहले 34 लोगों से पूछताछ की, ये 34 लोग वो थे जो कि आम जनता है, जिस जगह पे सत्संग हुआ उन सभी लोगों के स्टेटमेंट को एक तरीके से दर्ज किया गया। जाते हुए न्यायिक आयोग की टीम का साफ तौर पर कहना है कि वो अब नोटिस इशू करेंगे उन लोगों को जो कि इस मामले में विटनेस के तौर पर रह सकते हैं, पुलिस अधिकारियों को इस मामले में नोटिस इशू होगा, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े यानी कि हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन
ऑपरेशन से जुड़े जो लोग हैं उनको भी नोटिस इशू किया जाएगा। उस नोटिस पे जो भी चीजें निकल कर आएगी उसको ऑन रिकॉर्ड न्यायिक आयोग की टीम अपनी रिपोर्ट पे दर्ज करेगी। बीते कल की अगर हम बात करते हैं तो न्यायिक आयोग ने चाहे वो एडीजी लेवल के अधिकारी हो, एसपी हो, उन सभी से पूछताछ की, सीएमओ से पूछताछ की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आई है। न्यायिक आयोग की टीम उस घटना स्थल पर भी पहुंची जहां पर सत्संग हुआ, वहां पर यह जांचा गया कि किस तरीके के पैरामीटर्स का पालन किया गया। यह भी जानकारी मिल रही है कि हजारों की संख्या में बस जो है वो हाईवे पे खड़ी हो गई थी, तो कैसे काफिला निकला, किस पोजीशन पे था, साथ ही किस तरीके के इंतजाम थे, कहां चूक हुई, ये सब चीज जांचने के बाद अब न्यायिक आयोग का कहना है कि इनिशियल रिपोर्ट जो है वो इस मामले में तैयार करेंगे। आगे वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हमारे सहयोगी कोमल आपको दिखाएंगे कि हाथरस के बाद कन्नौज में भी सूरज पाल का एक सत्संग होने वाला था, उसको लेकर क्या तैयारियां थी। उस एक डायरी मिली है कोमल को जिसमें लिखा गया है कि कितना ऊंचा गेट बनना था, कैसा पंडाल लगना था, कितने सेवादार वहां पर लगने थे, पूरा ब्यौरा इस डायरी में है। कोमल की रिपोर्ट देखिए। बाबा की अलग अलग आर्मी बाबा ने बनाई हुई है। प्रशासन की मदद लेने से बाबा पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। अपनी आर्मी बनाई है, उसमें हजारों की तादाद में उनके सेवादार है। ब्लैक कमांडो का नाम दिया गया है, पिंक आर्मी का नाम दिया गया है। घटना स्थल का जायजा हम लेने पहुंचे हैं रिपब्लिक भारत की टीम। ऐसे में ये सौरभ कुमार का आईडी कार्ड आपको दिखा रहे हैं, ब्लैक कमांडो। इन्हें जो सेवा का नाम दिया गया है उसमें ब्लैक कमांडो का ये नाम दिया गया है, नाम सौरभ कुमार है और कोंडली दिल्ली से ये आए हैं। यानी बाबा के भक्त जो है अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में तो है ही लेकिन दिल्ली में भी बाबा के फॉलोवर्स हैं। अब हम बात करें प्लाटून की, तो देखिए यहाँ पे घटना स्थल से हमें एक और डॉक्यूमेंट मिला है। प्लाटून बाबा के जो सेवादार थे उनको अलग अलग प्लाटून में डिवाइड किया गया था। प्लाटून वन सेक्शन है, प्लाटून वन सेक्शन टू है और यहाँ पे अलग अलग जो सेवादार है उनका नाम दिया गया है, उनका पता नाम दिया है, उनके पति का नाम दिया गया है, साथ ही साथ मोबाइल नंबर दिया गया है। तो अलग अलग खास तौर पर वेस्ट यूपी के अलग अलग लोग यहाँ पर उनका नाम यहाँ पे शामिल है। साथ ही साथ एक और आपको सूची दिखाएंगे कि सेवादार वर्दीधारी भाई और बहन सेवादार की उपस्थिति सूची। पहले प्लाटून की तस्वीरें दिखाई, अब ये दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कितने सेवादार और सेविका के नाम लिखे हुए हैं। तो वर्दीधारी भाई बहन और सेवादार की बात करें तो देखिए कुल मिलाकर के ये पहला पन्ना है जहाँ पे 25 लोगों का नाम शामिल है। अगर हम पेज को टर्न करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के देखिए 33 लोगों का नाम शामिल है। लेकिन इस वर्दीधारी भाई बहन की सेवादारों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या जो है महिलाओं की है। अगर हम मौत के आंकड़ों में भी बात करें तो 121 लोगों की जो मौत हुई थी उसमें महिलाओं की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। बाबा का सिंहासन देखिए, बाबा का सिंहासन यहाँ पे पड़ा हुआ है और इसी सिंहासन में बैठ करके वो अगला प्रवचन देने वाले थे कन्नौज में। लेकिन इस बीच अपने वीजे को कहेंगे कि थोड़ा सा आगे आए, आपको यहाँ पे एक और तस्वीरें हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे कई सारी आईडी कार्ड्स आपको नजर आ रही होंगी। ये चंद्रवती देवी है और ये संबल उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पे ये भी एक उनकी सेवादार थी और डिजिटली इनका ये आईडी कार्ड बना हुआ था। इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।